Hi guys, this is JR and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, जिसको एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये जॉब्स अच्छी होने वाली है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, जॉब्स है मार्केटिंग की, मार्केटिंग फील्ड में मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग का बोले तो एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है उसका आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग वो कंपनी है जो HR सॉल्यूशन की, रिक्रूटमेंट की कंपनी और सिक्योरिटी कंपनी, दो कंपनी का आपको मार्केटिंग करना है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें रिक्वायरमेंट रहता है। ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन बातें कुछ ऐसी है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी भी जो है गंदे गंदे कमेंट्स जो है बहुत सारे आते हैं, वो अभी तक आने बंद नहीं हुए हैं। और मैं पहले भी कई बार ये चीज बोल चुका हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी हक नहीं है कि ऐसी चीजें बोलने का, ऐसी गंदी चीजें बोलने का। लास्ट टाइम मैंने एक मारवाड़ी की नौकरी का एक वीडियो चढ़ाया था, किसी ने मुंह से गाली आती है उसके लिए, उसने क्या बोला है कि मारवाड़ी चूतिया होता है। अरे भाई, मारवाड़ी चूतिया होता है या कोई दूसरा चूतिया होता है वो उसके ऊपर है, वो उनके ऊपर है, तुझे उससे क्या है, तुमको उससे क्या एतराज है। तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हुआ होगा तो तुम उनको जाके बोलना। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसा तुम रहता ना वैसा हर कोई चूतिया नहीं होता तुम्हारे जैसा, जैसा तुम चूतिया जैसा यहाँ आके मेरे इधर में जो है बकवास करता है, मारवाड़ी ये होता वो होता, जो भी होता है वो उनके ऊपर होता है। और हर एक आदमी पहले बताओ एक जैसा नहीं होता है। हाँ, कोई तुम्हारे साथ गलत किया होगा तो तुम उनको जाके बोल, यहाँ पे क्यों जो है तुम ये करवाता है। दूसरी बात गाइस कि ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। कल भी किसी बंदे का मेरे पास एक मैसेज आया था, कोई पता नहीं पंजाब से था, शायद पंजाब से था। उसकी एज जो है 29 के अराउंड थी, 32 ईयर्स या, और उसने जो है लिख के टाइप कर भेजा, मेरा साल जो है मैं अनपढ़ हूँ, मेरी एज 32 ईयर्स है, मुझे 30,000 की नौकरी चाहिए और खाना पीना फ्री चाहिए, जल्दी हो तो बताइए। ऐसे ऐसे बंदे रहते हैं जिसको 30,000 की सैलरी चाहिए, 32,000 एज हो चुकी है, सॉरी 32 इयर्स एज हो चुकी है उनकी और अनपढ़ है वो। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं, मतलब चीजें कहने का कि वो लोग सिर्फ मेरे यहीं पास में आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, मेरे पास में ही आते हैं क्योंकि हम लोग फ्री का जो बोल के देते हैं ना, इसलिए हम लोग ही चूतियां हैं। सही है, अगले महीने से हम लोग भी चार्ज चालू करेंगे, ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे 3,000-4,000 रुपए लेंगे ना लड़के लोगों से, उनको जो है अच्छा काम दिलवाएंगे, तब जो है उनको पता चलेगा क्या काफी बंदे ऐसे भी रहते हैं जो काफी टाइम से, सर आपका वीडियो जो है ये कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। भाई, वीडियो कॉल करके क्या देखेगा तुम, मैं कम ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, ऑफिस आके मिल ले, विजिट कर ले और क्या। काफी ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर वो अगले वाले पार्टी का मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। हद हो गई यार मेरे भाई, अगले वाले पार्टी का तुमको मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूँ, फिर तो जो मुझे ही जो गाली सुनवाएगा उस क्लाइंट से, क्योंकि डायरेक्ट नंबर देना नहीं होता क्लाइंट से, क्लियरली जो है ये किया बात होती है हम लोगों की, अग्रीमेंट में पूरा लिखा रहता है। लड़के लोगों को हम लोग डायरेक्ट नंबर नहीं देते हैं, रीजन ये रहता है कि उनको कुछ ये नहीं रहता है, वो रात के 11 बजे कॉल कर देता है, सुबह 3 बजे कॉल करने लगते हैं, अजीब अजीब लोग हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता, मैं हर आदमी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी जो है आदमी अच्छे भी होते हैं। हम लोग के पास जो है परसों ही जो है 6 से 7 लड़के आए थे, अच्छे थे बेचारे, अच्छे कम्युनिकेशन किया था, जैसा बोला था वैसे उन्होंने आधार कार्ड भेजा, मैंने एड्रेस भेजा, उन्होंने जो है टिकट कन्फर्म होने के बाद टिकट का फोटो भेजा। उनको लेने के लिए हमारा बंदा जो है एक बार स्टेशन पर भी गया, और लास्ट वीक 6 लड़की भी आई थी, उनका भी यही हाल था। 11 बजे रात के 11 बजे झक झक के फोन कर करके कहाँ पहुँचे आप लोग, कहाँ पहुँचे आप लोग, कहाँ पहुँचे। गोवा से आए थे 6 लड़की लोग, उड़ीसा की, उनका जो है हमारी टीम फॉलोअप लेती रही
क्योंकि लड़की लोग कहीं प्रॉब्लम ना होना करके फॉलोअप लेती रही है। और 11 बजे, रात के 11 बजे आते आते सुबह 3 बजे उन्होंने जो है, शायद 3 या 4 बजे जो है स्टेशन पे उतरे। उन्होंने उतर के 1 घंटा सिर्फ वहां पे गए फैक्ट्री में, 1 घंटा जाके 3 लड़कियां बोलती कि सर यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है। क्या बोलना आप उन लोगों का, मच्छर बहुत ज्यादा है सर, हम काम नहीं कर सकते। 6 में से 3 लड़की रुकी, 3 चली गई। अब वो 3 लड़की जो चली गई वो सुनाई में आया है, मतलब उन्हीं फ्रेंड लोगों ने बताया कि सर ये लोग कहीं पे काम नहीं करती है, टिक के तमिलनाडु से गोवा, गोवा से आपके यहाँ आई है, 3 फैक्ट्री चेंज कर चुकी है। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो मच्छर काटते हैं करके कुछ भी बहाना बोल के चली गई, मुझे कुछ नहीं है, उनको काम चाहिए तो वो आएगी, या फिर जो भी बंदा जिसको काम चाहिए वो आएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कोई फालतू बकवास नहीं करें। हाँ मैं ये मानता हूं कि कभी कभी हम लोगों की तरफ से भी कम रिस्पॉन्स मिलता है, रीजन ये रहता है कि फ्री की जॉब रहती है, जहां हम लोगों को 6 बंदे की जरूरत रहे वहां 10 बंदे आ जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसको धक्के दे के बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं। हम लोगों को 6 की जरूरत रहती है तो हम लोग 6 पूरा कर देते, फिल हो जाते हैं। काफी काफी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, सर 6 महीने पुराना वीडियो जो देख के उसको कॉल करेगा, सर इसमें तो आपने जो है लिखा है कि जॉब है और अभी जॉब आप बोल रहे हैं अब जॉब नहीं है। अरे मेरे भाई, वो 6 महीने पुराना वीडियो है, उस कंपनी में तुम अब जॉब खोजने जाओगे 6 महीने बाद, तो हमारे और तुम्हारे लिए कोई काम थोड़ी रखा होगा वहां पे। एनीवे गाइस, गंदे कमेंट्स प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। और काम तो छोड़ो, मेरे यहाँ पे आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप जहाँ पेड जो सर्विस रहती है ना, जहाँ फ्री का सॉरी जहाँ पैसा लेके काम दिया जाता है, वहां तो आप करने से ही रहे। तो गाइस, जॉब से होने वाली है मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यस मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है, जो मार्केट में नॉलेज रखता हो, मार्केट का फील्ड का नॉलेज रखता हो। लोकेशन सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर का है। आपको कंपनी के लिए महीने का 4 लीड जनरेट करके देना रहता है, 4 कॉन्टैक्ट पकड़ के लाना देना रहता है कंपनी को। अब इसमें एक अपना सिक्योरिटी कंपनी है, एक अपना रिक्रूटमेंट कंपनी है, मैन पावर कंपनी है, दो कंपनी का आपको जो है कॉन्टैक्ट पकड़ के ला के देना है, या फिर फील्ड में घूम के क्लाइंट से, मैनेजर से, या फिर जो भी जो आपको सीनियर मिलता है, बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स, या फिर बड़े बड़े सुपरमार्केट, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्डर्स, उनके पास विजिट करना है। विजिट करके आपको अपनी कंपनी, उस कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका प्रोफाइल बताना है कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सब बात करके एक अग्रीमेंट रेडी करवा के कंपनी को हैंड ओवर करना है। बाकी काम रहेगा कंपनी का, उसको फॉलोअप लेता कि नहीं लेता, कितने टाइम में उसको फॉलोअप लेता है, कब जाता है, कब आता है, वो आपका हेडक नहीं है। महीने का आपको 3 से 4 लीड जनरेट करके देना रहेगा, बस उतना ही काम है। सैलरी स्टार्टिंग 18 से लगाकर 20 हजार। एक बात और, 18 से लगाकर 20 हजार, 20 हजार नहीं मानिए, हर बार यही होता है, जो लास्ट की सैलरी रहती है वो पकड़ लेते हैं। सर आपने उस वीडियो में 20 हजार बोला था, अभी 18 हजार बता रहे हैं। गाइस सैलरी जो रहती है वो आपके ऊपर रहती है, डिपेंड होती है, हम लोगों के ऊपर नहीं रहती है। आप जब इंटरव्यू में जाते हो, आप जब इंटरव्यू देते हो ना, तब उस इंटरव्यू में आपकी जो सैलरी फिक्स की जाती है, आपको आप बात करने का टेक्निक, आपका एक्सपीरियंस और आपका वहाँ का हालचाल ढालचाल देख के वो लोग जो है एचआर लोग आपकी सैलरी फिक्स करते हैं। जो आप कमेंट्स वगैरह वीडियो में करते हो ना, वो जो वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, तुरंत आपको यस बोल के निकाल दिया जाता, ठीक है भैया हम लोग बोलेंगे, ठीक है रिज्यूम छोड़ दो करके बस प्रेम से आपको वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए इसमें बाइक कंपलसरी है, बाइक चाहिए चाहिए, बाइक जरूरी है, फील्ड वर्क है इसलिए बाइक जरूरी है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर, सैलरी 18 से 20 हजार लास्ट, प्लस बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, प्लस इसमें आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, यस आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 रुपए का तेल, 300 रुपए का पेट्रोल, जितना भी आपका कन्वेंस है पेट्रोल का वो कंपनी जो है देती है आपको। आपको करना क्या है, सुबह से शाम तक 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आपको फील्ड में रहना है, फील्ड में विजिट करना है, कितना पेट्रोल वेस्ट हुआ
वो शाम को रिपोर्ट प्लस पेट्रोल का आपका खर्चा वो कंपनी को एक बार रिपोर्ट करके भेजना पड़ता है। सर मैं एक्स वाई जेड कंपनी में गया था, उस कंपनी में ये हमने इस सुपरवाइजर ने या फिर इस जो है मैनेजर ने मुझे ये फीडबैक दिया, तो जो भी रहता है आपका, आप क्या बात करते आते हैं वो सारा का सारा एक बार रिपोर्ट बना के मेल करना पड़ता कंपनी को, नहीं तो आपको ऑफिस विजिट करके वो सब बताना पड़ता है। पेट्रोल कन्वर्स मिलता है प्लस इसमें 6 महीने के बाद ESIPF स्टार्ट होता है, 6 महीने के बाद, पहले नहीं है। लैंग्वेज इसमें हिंदी कन्नड़ा, नहीं तो कन्नड़ा इंग्लिश, नहीं तो कन्नड़ा हिंदी। कहने का ये मतलब है कि लोकल लैंग्वेज इसमें कंपलसरी है, लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए। अगर आपको कन्नड़ा नहीं आता है तो हिंदी कंपलसरी है इसमें, हिंदी इंग्लिश नहीं तो हिंदी कन्नड़ा। और एज लिमिट रहती है इसमें 18 से लगाकर 30 साल, 18 से 30 साल तक बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो लोकल वाला हो या फिर आउट ऑफ स्टेशन वाला हो। एक बात और, इसमें रूम की फैसिलिटी नहीं है, फूड की फैसिलिटी नहीं है। वीडियो को पूरा देखे, पूरा देखने के बाद ही वीडियो के अकॉर्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फोन कर सकते हैं। हर एक वीडियो में आप जो है फूड और रूम फ्री नहीं खोजें। ये वीडियो देख के आप बोलेंगे सर कि जो है आप तो बोल रहे हैं कि फूड फ्री है रूम फ्री है। मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि जहाँ आपको प्रोफेशनल काम मिलेगा, जहाँ आपको जो है अच्छा काम मिलेगा, वहाँ पे कंपनी आपको खाना और रहने की व्यवस्था नहीं देगी। जहाँ आपको हेल्पर का काम मिलेगा वहाँ आपको कंपनी खाना रहने की फैसिलिटी देती है, और वो जो रहता है वो हम लोगों की तरफ से नहीं रहता, वो आगे कंपनी की तरफ से रहता है। कंपनी की तरफ से क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, उनकी क्या क्या फैसिलिटीज रहती है, वो सारा का सारा हम आप लोगों के सामने क्लियर करते हैं ईच एंड एवरी वीडियो में। कंपनी क्या फैसिलिटी देती है, कंपनी कितना टाइमिंग देती है, वो सारा का सारा हम लोग आपको पहले क्लियर कर देते हैं। फिर फोन पे भी जो आप फोन करते हैं उसमें भी आपको क्लियर कर देते हैं। फिर आफ्टर आपको जो है इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। तो गाइस मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए है ये जॉब, मार्केटिंग का जॉब है। दो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, एक रहेगा आपको कमीशन बेस पे, एक रहेगा सैलरी बेस पे। कमीशन बेस पे जो है मैन पावर एजेंसी है और सैलरी बेस पे सिक्योरिटी एजेंसी है। तो जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो एक बार मुझे अपना रिज्यूम शेयर करें, विदाउट रिज्यूम नो एक्सेप्टेड। पहले अपना रिज्यूम शेयर करें, आफ्टर देन हम लोगों को कॉल कर सकते हैं कि सर मैं एक्स वाई जेड से हूँ, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको ऑलरेडी रिज्यूम शेयर किया हुआ है, आप एक बार प्लीज चेक करके मुझे बताइए। हम लोगों की टीम नहीं तो मैं खुद आपको कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग कॉल करें हमें। शाम के 4 बजे के बाद कॉल नहीं करें, रात के 11 बजे कभी भी कॉल नहीं करें। मैं कई बार नहीं, कई बार 100 बार नहीं 200 बार इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि मेरे भाई रात के टाइम हम लोगों को कॉल नहीं करें। हम लोग दूसरी जगह रहते हैं, घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, कभी कभी तो क्या बताऊँ ऐसी ऐसी कंडीशन मतलब हो जाती है कि हम लोग जो है ऐसी बात बोल भी नहीं सकता, बाथरूम तक के लिए जाने के लिए नहीं छोड़ते हैं लड़के लोग। वहां पर भी अगर चले जाते हैं ना तो फोन पे फोन करेंगे, फोन पे फोन करें दे कंटिन्यू धनाधन धनाधन जो है रिंग पे रिंग करेंगे, 6-7 कंटिन्यू रिंग करेंगे, 5 या 2 मिनट अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फटाक से जाके यूट्यूब पे कमेंट्स कर देंगे ये फेक एजेंसी है, आप लोग फेक है, तुम फेक हो, मतलब बोलने का कुछ उनका एनीवे स्वतंत्र भारत है, बोलने का सबका अधिकार, लेकिन मेरे वीडियो में नहीं। जहां पैसा देता है ना 3,000 4,000 रुपए ज्वाइनिंग के नाम पे, वहां पे आप बोलिए, खूब दबा के बोलिए, कोई मना करने वाला नहीं है क्योंकि आप वहां पैसा देते हैं। यहाँ पे आपको गंदे कमेंट्स ना तो करने दूंगा ना कर सकते हैं। हमारे यहाँ काम मिलता है, काम दिलवाते हैं, फ्री का जॉब रहता है, फ्री का जॉब दिलवाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। तो गाइस एक और अच्छी हेल्पफुल जॉब आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।